आज के लिए इतनी सारी मांगे आप वापस ले जा रही हैं, ये काफी आगे बढ़ गई है बात। और कोई इस लिस्ट के अलावा अगर कोई और मांग रखना है तो फिर मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये जो सड़क पर है वो किस वजह से है, वो इस वजह से है क्योंकि हमें ना तो मीडिया पर भरोसा है आज की, ना तो पुलिस पर भरोसा है आज की, और जितनी भी प्रोटेस्ट में जाने गई है उन पर अभी तक कोई कार्रवाई की बात कोर्ट ने भी नहीं करी है। तो और मैं इन एडिशन में एक और बात रखना चाहती हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है ये कोई मुसलमानों का प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक हर एक हिंदुस्तानी का प्रोटेस्ट है और ये संविधान के ऊपर है क्योंकि संविधान हमारा बात करता है इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस की। तो ना हमें जस्टिस मिल रहा है, ना इक्वालिटी की बात हो रही है, ना फ्रैटर्निटी की बात है, और आज जो बात हो रही है वो हमारी लिबर्टी भी छीनी जा रही है। तो इन सारे पॉइंट पर जब यही नहीं, बेसिक ही नहीं रहेगा, फाउंडेशन ही नहीं रहेगा, फंडामेंटल्स ही नहीं रहेंगे तो कोर्ट क्या और सुप्रीम कोर्ट क्या? तो हमारी इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट सबको साथ आना चाहिए, ना कि ये सिर्फ मुस्लिम का मूवमेंट बनके रह जाए। थैंक यू सो मच। मैम से मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब भी ये रोड यूज कर रहे हैं, तो हम लोग को भी उतनी दिक्कत हो रही है जितनी और लोगों को हो रही है दिक्कत है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, और जो ये कह रहे हैं जिन्ना वाली आज़ादी, ये उनसे पूछा जाइए किस बेसिस पे कह रहे हैं जिन्ना वाली आज़ादी, या हमें तो बस जीने की आज़ादी चाहिए। हेलो मैम, अभी सुबह का वक्त है कि स्मृति रानी अभी हम लोगों के ऊपर शाहीन बाग के लेडीज के ऊपर टिप्पणी की कि शाहीन बाग की लेडीज बात करने के लायक ही नहीं है, खुद लेडी नहीं है। हाँ, अब उसके बाद ये सारे भाजपा के सारे लेडीज नेता, जेंट्स नेता हम लोगों के ऊपर ऐसी गंदी टिप्पणियाँ क्यों करते हैं? हमारी ये डिमांड है कि इन नेता के ऊपर कार्रवाई की जाए। देखिए, आज जो इस वक्त समीना ने जो बात कही है, पांच मुद्दे उसने समराइज किए हैं, ये पांच मुद्दे लेके सात मुद्दे समराइज किए हैं। आज मौलाना अबुल कलाम आजाद का यौमे वफात है, आज का दिन एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। इसमें आप ये तहैया कर लीजिए कि ये सात डिमांड मैम लेके जाएंगी संजय हेगड़े के साथ और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगी। 100% गारंटी लेनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को और दिल्ली गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि आपकी डिमांड्स को इज्जत दी जाए, तौकीर दी जाए और आपकी डिमांड्स कामयाब हो। पहले आप इसको खत्म करना चाहिए क्योंकि अब जो हमारी बहनें बोल रही हैं वो रिपीट कर रही हैं, दोहरा रही हैं, हमें दोहराने का बिल्कुल वक्त नहीं है और जरूरत भी नहीं है। सब समझ गई है मैम।